हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 5G प्लस कंपैरिजन, स्पीड कंपैरिजन दोनों फ़ोन में, गूगल पिक्सल 6 है एंड आईफोन में। पहले हम आईफोन में टेस्ट करते हैं 5G प्लस। अभी नेटवर्क 3 बार्स दिखा रहा है। अभी स्पीड देख सकते हैं एवव 300 Mbps। ओके, अपलोड 11:10। और ये है रोजर से कनेक्ट हुआ है, ये फुल नेटवर्क अभी आ गया है। रोजर्स इंटरनेशनल सिम है एक, नॉट इंडियन। सो अभी हम टेस्ट करते हैं फुल नेटवर्क पे। सो फुल नेटवर्क के पे भी ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अपलोड थोड़ा सा लो है प्रीवियस टेस्ट के मामले में। ओके, सो अभी ट्राई करेंगे गूगल पिक्सल 6 है, और इसमें नेटवर्क आने में बहुत टाइम लगा। अभी भी देख सकते हैं नेटवर्क कनेक्टेड है, सेम सिम रोजेस, एंड अभी वही 5G दिखा रहा है। मैं रिस्टार्ट भी किया, बट डिफ़िकल्ट हो रहा है सिग्नल 5G प्लस लाने में। अभी 5G में जब टेस्ट किया, डायरेक्ट 5G, तो काफ़ी लो स्पीड था डाउनलोड एंड अपलोड बोथ। तो उसके बाद 5G तुरंत ही आ गया 5G प्लस। तो 5G प्लस में जब मैंने टेस्ट किया तो ऑलमोस्ट 200 के ऊपर चला गया स्पीड, 239, बट आईफोन में 300 प्लस कर रहा था। और फिर भी मैं और एक बार ट्राई किया, और एक बार ट्राई करने के बाद भी सेम ऑलमोस्ट नियरली 200 रहा स्पीड, क्रश नहीं किया। अपलोड भी थोड़ा लो था, तो दैट मीन्स आईफोन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पीड है। मैंने सिम भी स्विच किया, फिर से आईफोन में ट्राई किया, तो ये 300 टच कर रहा था ऑलमोस्ट। तो स्पीड आईफोन में काफ़ी अच्छा है, सिग्नल रिसेप्शन आईफोन में ही अच्छा है कंपेयर टू गूगल पिक्सल। थैंक यू।